अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग यासीन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और फोन भी आ गया है ड्यूटी के लिए, तो यहाँ से चल रहे हैं ड्यूटी पर। और ड्यूटी पर जाने के बाद जो है करेंगे बाहर से नाश्ता। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं एक बेहतरीन जगह से नाश्ता करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 बजे को आ गया हूँ मैं मैकडोनाल्ड्स में, और नींद इतनी आ रही थी कि बहुत ज़्यादा, बस उठने भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख भी लगी थी और फिर ड्यूटी भी लग गई थी। तो यहाँ पे अभी कन्फ्यूज़न में है। तो मेन्यू में जो दिखा रहा है 17 रियाल दिखा रहा, वैसे अंदर आके मालूम किया था वो 26 रियाल का, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि 4 ले लें, वो 28 रियाल में हो जाएंगे। और अभी क्या है कि अलबेग गया था लेकिन वहाँ से लौट आया, लेकिन क्या करें नसीब में था यहाँ का इसलिए। लेकिन अभी इसको 4 कर देते हैं, देखते हैं कि कितने बड़े बड़े निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोदा पहाड़ निकली चाहिए। तो भाई ये है रियलिटी, जैसे उसमें एड में दिखाई दे रहा था 3 पीस बड़े बड़े, तो इसमें जो है 2 पीस हैं, मतलब कि 2 ऑर्डर हैं इसमें, 2 उसमें हैं। तो ये जो है रियलिटी है, ऐसा समझ लीजिए। तो फाइनली गाइस, तो अभी टाइम हो गया शाम के 6:12 और मुझे जो है कॉर्नर्स पर ज्यादा टाइम बिताते न हुए अर्जेंट में आना पड़ा है घर पर, क्योंकि एक डिलीवरी वाला आया था तो उससे कुछ सामान जो है मुझे पिकअप करना था, तो वो अभी पिकअप करके घर दे दिया हूँ। अब जा रहा हूँ रूम पे। तो आज अभी कुछ देर पहले जैसा देखा आपने कि रियलिटी और एड में कितना फर्क होता है, जैसे डिस्प्ले पर लगा हुआ था ये बिंग्स मैग यानी 8 रियाल में उसमें 3 पीस दिखाई दे रहे थे, तो ये लग रहा था ऐसे कि काफी बड़े बड़े पीस होंगे, लेकिन जब रियल में हमने देखा खाकर तो वो इतने छोटे छोटे जैसे कि मुर्गी के छोटे बच्चों के जो है पीस उठा के जो है फ्राई करके मुझे दे दिए हैं। और मैकडोनल्ड्स के ये बिंग्स जो है मुझे कुछ खास टेस्टी नहीं लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गवी हो रहे थे, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे, हार्ड हो रहे थे, जैसे सॉफ्ट नहीं हो रहे थे, जैसे कि बाकी आइटम जो है सॉफ्ट होते हैं, तो ये जो काफी हार्ड हो रहे थे, तो खाने में जो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और क्या है कि बहुत छोटे छोटे थे। वैसे काफी बार खा चुका हूँ मैं मैकडोनल्ड्स, तो अच्छा होता है खाना तो वैसे,
लेकिन क्या होता है कि डिस्प्ले पे तो कुछ और दिखाया जाता है। जैसे कि उससे पहले मैं ऑर्डर करने गया था मैक अरबी दिजाज, तो वो 17 रियाल का दिखा रहा था मेन्यू पे, लेकिन जब अंदर गया मैं काउंटर पे तो वो जो है 26 रियाल में हो गया। तो ये फर्क होता है कि डिस्प्ले पे दिखाएंगे 15 रियाल का, 16 रियाल का, जब काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं आपको छोटा स्मॉल चाहिए बिग साइज चाहिए, अगर बिग चाहिए तो 5 रियाल और ऐड कर दिए, चीज चाहिए या विदाउट चीज चाहिए, अगर चीज चाहिए तो जो है 5 रियाल और ऐड कर दिए। अब आपको बताते जो है फ्रेंच फ्राइज नॉर्मल चाहिए या क्रिस्पी चाहिए, अगर क्रिस्पी चाहिए तो 3 रियाल और जोड़ दिए, ऐसे जो है इनका पहुंच जाता है पूरे 30 रियाल में एक बर्गर। तो ये जो है काफी बड़ी समस्या है, मैकडोनाल्ड्स हो या फिर हर्पी हो या कंचाकी डिजाज हो, ये काफी जितने भी मतलब की कंपनियां काफी मुश्किल करती हैं जब काउंटर पर जाओ तो। तो खैर अभी बच गए हैं शाम के 6:15 और ड्यूटी से जो है बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, तो चल रहे हैं अभी रूम पर, और रूम पर जाने से पहले जो है मुझे आज खुब्ज लेना पड़ेगा सुबह के नाश्ते के लिए। अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा कि सुबह को जो है बाहर से नाश्ता करना होगा, तो मैंने सोचा कि लेके रख लें एहतियात के लिए, और फिर सुबह को अगर नहीं जाना होगा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी आने के लिए। तो अभी चलना है बकाले पर, और बकाले पर जाने से पहले मैं ये वाला ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलते फिर हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बक है, शुभ रात्रि।